नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज पुलिस मुख्यालय में आयोजित हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा मोचन बल यानी एसडीआरएफ के कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य आपदा मोचन बल को सुदृढ़ और सशक्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस बल को आधुनिक तकनीक और उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य आपदा मोचन बल को आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए लगभग 12,65,45,000 रुपए की राशि जारी की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल आपदा संभावित क्षेत्रों में शामिल है और इस तरह के कदम आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में और तेजी लाने में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में एसडीआरएफ की 3 कंपनी तैनात हैं। इस बल के जवानों को प्रशिक्षित करने और उनके क्षमता निर्माण के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ को अत्याधुनिक बनाने में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में आई आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने गत 3 माह में लगभग 750 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में बरसात के दौरान आई आपदा में एसडीआरएफ ने बेहतरीन कार्य करते हुए बहुमूल्य मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की है। राजधानी शिमला के फागली और समरहील में इस बल के सदस्यों ने फंसे हुए लोगों को निकालने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे आगे बढ़ना है पुलिस ने, उस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। जल्दी इसकी एक ब्लू प्रिंट आपके सामने भी आएगा कि कैसे हमने आगे जाना है। कई चीजों से पुलिस को लड़ना पड़ता है, आपदा से लड़ना पड़ता है, ड्रग से लड़ना पड़ता है, क्राइम से लड़ना पड़ता है, कई तो उन सब चीजों को सोचना पड़ेगा कई बदलाव से। और हम अपनी स्टेट का पीसफुल जो वातावरण है उसको हम बनाए रखना चाहते हैं। उसके लिए हमको ये जो हमने पुलिस की भर्ती दी है, ये आपकी स्पेशल कमांडो फोर्स के रूम में भर्ती दी गई है। उसके अलावा और भी हम पुलिस की सी फोर्स निकालेंगे जिसमें पैसे की कमी नहीं रहने देंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस आलाकमान से उन्होंने जल्द लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा करने की बात कही है ताकि प्रत्याशी और कार्यकर्ता अपनी तैयारी में जुट सकें। साथ ही उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण देने के फैसले का प्रतिभा सिंह ने स्वागत किया। उनका कहना है कि महिलाओं को आरक्षण देने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को जाता है। सबसे पहले तो हमें इस बात की खुशी है कि हमारा महिला आरक्षण बिल, जो हम बहुत लंबे अरसे समय से इस लड़ाई को लड़ रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी ही है और राजीव गांधी जी थे जिन्होंने इसके लिए आवाज उठाई। दुर्भाग्य से सोनिया जी के वक्त में भी ये बात बहुत उठी और उन्होंने बहुत सहयोग किया और वो चाहते थे पार्लियामेंट में ये पास हो, पर किन्हीं कारणवश से ये पास नहीं हो पाया। तो अब जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, उन्होंने इस बिल को लाया है। चलो, हमारी महिलाओं के लिए एक मान है, सम्मान है, इसके लिए हम आभारी हैं कि उन्होंने इस कदम को उठाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके ऊपर सरकार को जवाब देना चाहिए। प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। हमने कहा था कि चंबा में जिस प्रकार से निर्मम हत्या हुई उसके बाद ये स्थितियां सुधारनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा जहां दुष्कर्म और हत्या की घटना घटित ना हो रही हो। उन्होंने कहा कि इन जवाबों से कांग्रेस नेता बचते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके ऊपर सरकार को जवाब देना चाहिए। प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। हमने कहा था कि चंबा के अंदर जिस प्रकार की निर्मम हत्या हुई उसके बाद ये स्थितियां सुधरनी चाहिए थी, सरकार को चेतना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा जहां पर लगातार बलात्कार की घटनाएं ना बढ़ी हों, जहां पर हत्याओं की घटनाएं ना बढ़ी हों। और तो और, माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले के अंदर जो अमानवीय कृत्य हमारी एक बहन माता के साथ किया गया, वह शर्मनाक। लगातार ये लोग कहा करते थे मणिपुर के अंदर जो हुआ वह दुखदाई। हां,
वह है दुखदाई, परंतु हमारे हमीरपुर के अंदर एक बहन के बाल काटकर उसके मुंह पर कालक पोतकर उसको गांव में घुमाया जाना, इसके बारे में अभी तक सरकार की ओर से रुख स्पष्ट नहीं किया गया, यह चिंतनीय। किस प्रकार से बिगड़ती कानून व्यवस्था, किस प्रकार से और गुंडा तत्व समाज के ऊपर हावी होता हुआ दिखाई देता है। जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ की बीते लंबे अरसे से चली आ रही विभाग में विलय की मांग को लेकर आज से पूरे प्रदेश भर में जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ ने अनिश्चितकालीन कलम छोड़ो हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे पंचायतों से लेकर उपमंडल अधिकारी कार्यालय तक कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। हिमाचल प्रदेश के सभी 88 ब्लॉकों में यह हड़ताल जारी है। करीब 4700 कर्मचारी इस कलम छोड़ो हड़ताल में शामिल है, जिसमें पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, अभियंता, कनिष्ठ अभियंता सहित सभी जिला परिषद कैडर कर्मचारी शामिल हैं। जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि वो लंबे समय से विभाग में विलय की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसे सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा। तो कलम छोड़ो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है, विभाग से विलय की मांग को लेकर यह हड़ताल की जा रही है, जिसमें कि कई अधिकारी शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो इसको कलम बंद हड़ताल कहा जा रहा है। साथ ही कई अधिकारी इस कलम बंद हड़ताल पर बैठे हैं, तो कलम छोड़ो अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है शुरू हो चुकी है और विभाग में विलय की मांग को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। आज जो हमारे पूरे प्रदेश में जो जिला परिषद कैडर की जो एक मांग है, विभाग में भी ले, पूरे प्रदेश में लगभग 4700 कर्मचारी है जो आज कर्म छोड़ आंदोलन पे आज उतर आए हैं। इसमें 88 ब्लॉक है पूरे हिमाचल प्रदेश में। सरकार से हमने लंबे समय से हम अपनी मांग रख रहे थे कि हमें जो विभाग में भी ले किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमें बार बार आश्वासन दे रहे, उसी उम्मीद पे जो हम लगातार एक साल सरकार से मांग करते रहे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक संदेश हमें नहीं मिला, जिसकी विरोध में जो है पूरे प्रदेश में जो आज ये स्थिति बनी है कि पूरे हमारे जो 88 ब्लॉक है वो सारे आज जो है कलम छोड़ो आंदोलन पे उतर आए हैं। बिलासपुर जिला में भारी बारिश के कारण आई आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए शुक्रवार देर शाम केंद्रीय इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम ने घुमारवी पहुंची। उन्होंने घुमारवी के साथ कोठी पंचायत के पनियाला गांव में दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम ए में लीडर रवनीश कुमार, डिप्टी डायरेक्टर एफसीडी महेश कुमार, डिप्टी कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर सुधीर सिंह भदौरिया और अंतरिक्ष विभाग में वैज्ञानिक अभिनव शुक्ला उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने इंटर मिनिस्टर केंद्रीय टीम के सदस्यों का बिलासपुर पहुंचने पर स्वागत किया और जिले में बड़ी बारिश के कारण हुए नुकसान का पीपीटी के माध्यम से जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि जिला में भारी बरसात के कारण आई आपदा के कारण करीब 219 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बिलासपुर जिले में हुए नुकसान के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा भी किया। प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को एक मेमोरेंडम भेजा है और उस मेमोरेंडम में जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है उससे सहायता मांगी गई है और उस मेमोरेंडम के बेस पे एक इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम विजिट किया है। उसमें पूरे प्रदेश में दो टीम्स थी, एक टीम जो है वो कांगड़ा और मंडी और बिलासपुर में उन्होंने दौरा किया, दूसरी टीम ने सिरमौर और सोलन में दौरा किया। ये इस टीम का दूसरा विजिट था क्योंकि इससे पहले भी एक मेमोरेंडम भारत सरकार को गया था अगस्त महीने में। हिमाचल प्रदेश में बरसात से भारी तबाही हुई है। बारिश के तांडव से 481 लोगों की मौत हो गई। जानमाल के इस नुकसान को प्राकृतिक आपदा का नाम दिया जा रहा है, लेकिन इसमें सरकारों की नीतियों और लोगों की भूमिका को जानकर तथाकथित विकास के मॉडल में बदलाव की जरूरत है। ये बात आज शिमला में हिमालय नीति अभियान संस्था ने कही है। हिमालय नीति के समन्वयक गुमान सिंह ने कहा कि हिमाचल में विकास का जो मॉडल अपनाया जा रहा है इसे समय रहते बदला न गया तो ये विनाश का कारण बनेगा। उन्होंने कहा कि यह नुकसान बारिश से नहीं हुआ बल्कि जो अवैध डंपिंग की गई है उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि एनएचएआई ने सड़कों का निर्माण जिस तरह से किया है पहाड़ों की गलत कटिंग से ज्यादा नुकसान हुआ है। इस लापरवाही से सैकड़ों लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है।
हम गवर्नर साहब से हिमालयन टी अभियान का सब प्रदेश के जन संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला और हमने उनसे मांग की कि ये जो आपदा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में आई है, त्रासदी हुई है, इसमें इतना नुकसान हुआ है जिसका हम स्टेट रेवेन्यूज और एक्सचेकर की वजह से उसकी भरपाई नहीं कर सकते, सेंटर को इसको या राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने चाहिए। एक दूसरा, हम मानते हैं और ये सरकार भी मान रही है अब कि ये मैन मेड डिजास्टर है, ये सिर्फ बारिश का वजह से नहीं, उसकी वजह है कि हमने गलत तरीके से बांधों का निर्माण, खासकर नेशनल हाईवे और फोर लेन का निर्माण किया, हमने रूरल रोड में भी बहुत सारी अनियमितताएं बरती, इनको रोकना चाहिए। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को वनडे वर्ल्ड कप के 5 मैचों की मेजबानी करने का मौका इस बार मिला है। ऐसे में अब एचपीसीए मैचों के सफल आयोजन को लेकर पूरी तरह से जुट गई है। वहीं इन क्रिकेट मैचों के दौरान मैच खेलने के लिए धर्मशाला आने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में एचपीसीए के अधिकारियों ने एएसपी जिला कांगड़ा हितेश लखनपाल के साथ बैठक की और किस तरह से इन खिलाड़ियों को कांगड़ा हवाई अड्डे से धर्मशाला पहुंचाया जाएगा इस पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में किस तरह से क्रिकेट खिलाड़ियों को सुरक्षा दी जानी है और कितनी पुलिस फोर्स को मैचों के दौरान स्टेडियम के अंदर और स्टेडियम के बाहर तैनात किया जाना है, इसका भी प्लान एचपीसीए के अधिकारियों द्वारा तैयार कर लिया गया है। मैचों के दौरान किस तरह से दर्शकों को शांतिपूर्वक स्टेडियम में प्रवेश करने से लेकर मैच खत्म होने के बाद दर्शकों को किस तरह आराम से स्टेडियम के बाहर निकालना है उसको लेकर भी एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। मालूम है कि धर्मशाला में जो है वर्ल्ड कप के, क्रिकेट वर्ल्ड कप के 5 मैच हो रहे हैं, उसी सिलसिले में यहाँ पे तैयारियां चली हुई हैं। आज एक हमने कोऑर्डिनेशन मीटिंग की है, जो हमारे इश्यूज थे उसके बारे में डिस्कशन हुआ है और अभी इस तरह की मीटिंग और रिव्यू से भी चलते रहेंगे। मैच से सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी और जितनी डिप्लॉयमेंट होती है अभी वो वर्कआउट किया जा रहा है, जल्दी आपसे हम चेक करेंगे जी। जैसे कोऑर्डिनेशन मीटिंग है उसी में यही चीजें डिस्कस होती है, तो वो हमारी कुछ इश्यूज थे हमने डिस्कस किए। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Through constant innovation, the group provides